मिरज तालुक्यातील 3 गुन्हे उघडकीस आणण्यास पोलिसांना कमालीचं यश आलं असून आज याची माहिती जिल्हा पोलीस प्रमुख सोहेल शर्मा यांनी दिली आहे. मिरजेत बंद बंगला फोडून 45 तोळे सोन्याचे दागिने लंपास करणाऱ्या 3 चोरट्यांना जेरबंद करण्यातही पोलिसांना यश आलंय. जिल्हा पोलीस प्रमुख सोहेल शर्मा यांनी आज माहिती दिली. यावेळी अप्पर पोलीस अधीक्षक शशिकांत बोराटे, धीरज पाटील, पोलीस निरीक्षक सदाशिव शेलार, मोहन जाधव हे अधिकारी उपस्थित होते. कल्याणी साठमा श्रीधरण वय 72, राणास्वामी विवेकानंद कॉलनी पंढरपूर रस्ता यांच्या बंद बंगल्यात चोरी दिनांक 28 मे रोजी झाली होती. या चोरीचा छडा लावण्यास शहर पोलिसांना यश आलंय. या प्रकरणी शहर पोलिसांनी चोरट्याचा शोध सुरू केला होता. त्यामध्ये संशयित म्हणून कल्याणी श्रीधरण यांच्या ड्रायव्हर अंतोनी फर्नांडिस याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. यावेळी त्यानं त्या चोरीत हात असल्याचं कबूलही केलं होतं. गेले 15 वर्ष हा कल्याणी श्रीधरण यांच्याकडे बदली ड्रायव्हर होता. त्या दिवशी कल्याणी श्रीधरण गावी जाणार होता. त्याच्या आधी त्यानं ऋषिकेश कामटे व प्रदीप गाडे राहणार कोथरूड पुणे यांना सांगून चोरीची योजना केली. पुणे ते कामानिमित्त येणे जाणं असल्यानं फर्नांडिस याची ओळख या दोन चोरट्यांशी झाली होती. उपविभागीय पोलीस अधिकारी धीरज पाटील व पोलीस निरीक्षक सदाशिव शेलार यांच्या मार्गदर्शनाखाली डीबी पथकाचे उपनिरीक्षक अभिजित सावंत, देवरे सचिन धोत्रे, लक्ष्मण जाधव, चमन शेख यांनी हा गुन्हा उघडकीस आणण्यात प्रयत्न केले आहेत. इन्फॉर्मेशन आई थी जिसके ऊपर काम करके हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया और 20 तोला सोना हमने जब्त किया है. और इससे हमें ये मालूम पड़ा है कि इसमें पूना के कुछ लोग इन्वॉल्व थे. तो ये जो गैंग जो है ये बाहर से हमने उनको लेके आए हैं. यहाँ पर और कौन कौन सराफा के लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से सुनार इन्वॉल्व और उनके कौन कौन से लिंक हैं, उस पर तपास चल रही है. बट अभी के लिए जो हमारे सामने आया है कि हमने ये डिटेक्ट किया है और जिन लोग को हमने अटैक किया है उनके और क्या एक्टिविटीज़ है इस एरिया में, उसके ऊपर हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. मुझे उम्मीद है कि इस तरह की एक्शन से मिरज डिवीजन के तीनों एक्शन मिरज डिवीजन के हैं जिसमें SDPO धीरज पाटिल लीडरशिप रोल है. तो मेरा मानना है कि इस तरह के एक्शन से ना कि हमारा समाज और सोसाइटी में गुनाह कम होते हैं बट लोगों का भरोसा पुलिस के ऊपर और बनता है और गुनहगारी करने वाले लोग हैं वो और घबरा के अपने एक्टिविटीज़ को बंद करते हैं. मुझे उम्मीद है कि और मैं बधाई देता हूँ इन सबको कि उन्होंने इतनी तीनों केसेस में अच्छी कामगिरी की है तीनों अलग अलग पुलिस स्टेशन. त्याचबरोबर गांधी चौकी पोलीस मोटरसायकल चोरीचा गुन्हा उघडकीस आणून 8 मोटरसायकल जप्त करीत दोघांना अटक केली आहे. ग्रामीण पोलीस हद्दीत वाटमारी करणाऱ्या टोळीला पोलिसांनी जेरबंद केलं आहे. आज याची माहिती पोलीस प्रमुख सोहेल शर्मा यांनी दिली आहे. एरिया के पास एक ट्रक को रोक के 6 लोगों ने वहाँ से जबरन मोबाइल और 19,000 रुपये वहाँ से उनसे लूटे. ये जो दरोड़ा जो डाला गया उसकी माहिती हमारे लोकल नाइट ऑफिसर PI मोहन जाधव के पास जब आई तो उन्होंने उसी वक्त हमारा जो दरोड़ा विरोधी पथक है उसको अलर्ट किया और नाइट पेट्रोलिंग की सभी गाड़ियों को अलर्ट किया, जिसके कारण पंडरपुर रोड में जो दूसरी दरोड़ा यही टीम वहाँ पर डाल रही थी उसको हमने प्रिवेंट किया और 6 के 6 लोगों को उसी वक्त पे अटक किया. ये एक प्रॉम्प्ट और बहुत ही क्विक एक्शन है जिसमें हमें कि एक गुनहगार जो है जो अभी एक्शन में है उसको हमने उसी वक्त रेड हैंडेड पकड़ा है, जिसके कारण आगे के गुने हमने होने से रोके हैं. और पहले के इसके अलावा कहां कहां पर वो इन्वॉल्व हैं उसकी माहिती हमें मिलेगी. अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये इनमें से 4 गुनहगार वार्ड से हैं, 2 शिरोल से हैं और इनके ऊपर अलग अलग किस्म के प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, बॉडी ऑफेंसेस हैं. इनका पूरा रिकॉर्ड आगे निकाला जाएगा और इनके ऊपर मौका MPDA या इस तरह की जो भी प्रतिबंधित कार्रवाई जो लागू हो सकती है उस पर हम विचार कर रहे हैं. महात्मा गांधी चौकी पुलिस स्टेशन के एरिया मध्ये 153/18 ये बाइक चोरीचा एक गुना दाखिल आए. इस गुने में हमारी टीम ने कल 7 बाइक पकड़े हैं जिसमें 2 आरोपी निष्पन्न हुए हैं जिनसे हमें 7 मोटर व्हीकल्स मिले हैं. उसमें ये हमें उम्मीद है कि और भी 6 गुनों का जो मोटरसाइकिल जो चोरी हुए थे वो यहाँ से डिटेक्शन होगा और आगे जो ऐसी घटनाएं हमारे शहर में हो रही थी उस पर ये रोकथाम होगी और जो पहले गुने जो हुए हैं उस पर हम कंप्लीट डिटेक्शन कर पाएंगे. इन गुनहगारों को हम अलग अलग पुलिस स्टेशन्स में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इनके पास और क्या क्या इनके साथीदार हैं जो साथ में मिलकर एक्शन कर रहे हैं
उस पर और क्लैरिटी लेके अपने एरिया में होने वाले जो गुनहगारी है उसको खत्म किया जाएगा।